ऑफिस जा रहा है। डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज अभी मैं सुबह उठ चुका हूँ, अभी जैसे नहा के फ्रेश हो गया, तो अभी हम लोग चलते हैं नाश्ता करें। नाश्ता के बाद आज हम लोग जाने वाले हैं गाइज बर्फों के पहाड़ में, स्नो में, तो चलो देखते हैं। तो भाई नाश्ते में है दही और पोहा है, और ये है जैम, मस्के वाला भी है और जैम वाला जैम ब्रेड भी है। ले लो ना एक ब्रेड। और अब मैं तो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब चलते हैं हम लोग। भाई मज़ा देखते हो, जाने का मज़ा ही अलग है। और ये हमारे ड्राइवर साहब है ना सोलांग वैली तक ना है? आपका है जो उसमें है ना सोलांग वैली तक, सोलांग वैली में स्नो नहीं है, तो जो स्नो का पॉइंट है वो है वहाँ से कम से कम 40-50 किलोमीटर आगे। अच्छा, जो नीचे पेड़ थी पेड़ देखो, हाँ नीचे यहाँ पे सोलांग वैली में यहाँ पे है नीचे। अच्छा हाँ वो है यहाँ पे, क्योंकि जो आपकी डिक्शनरी में जो आया है ना जी वो है लोकल और सोलांग वैली और मणिकर्ण। गाइस अभी हम लोग यहाँ रुके हैं, यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि अभी कब ड्रेस पहनना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये वाटरप्रूफ ड्रेस रहता है, तो देखते कितने का है। 250 का है ड्रेस और शूज़। अच्छा, और बाकी सॉक्स और ग्लव लेना है तो अच्छा वो फोर सेल है। तो गाइस मैंने ब्लू कलर सेलेक्ट किया, पहनने में तो हल्का है, ऐसा नहीं है बहुत वजन है, बहुत हल्का है। तैयार हो गया है देख सकते हैं आप। तो गाइस ये कपड़ा 250 रुपये का, शूज़ भी इसमें इंक्लूड है, और सॉक्स लेंगे और हैंड ग्लव लेंगे तो 100-100 रुपये का अलग अलग है। वो सॉक्स और हैंड ग्लव आपको घर पे ले जाना है, तो चलते हैं वहाँ का मज़ा देखते। तो भाई कैसे जाऊँगा मैं वाली पास? जिप लाइन में जाएंगे। जिप लाइन पे तो गाइस ये 300 रुपये जिप लाइन का। ये देखो इस पार से उस वो पार से इस पार। तो गाइस ये मैं पहन के जाने वाला हूँ, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई डर नहीं है। वाओ देखिए गाइस जा रहा है, उसको बहुत मजा आ रही है, वहां जाके रुकेगा वो। बहुत मजा आया माना। तेरा क्या घट से क्या बोला? चश्मा नहीं बोला, वो एक वायर है जो वो ब्रेक मारता है, चलो चश्मा पकड़ लिया नीचे जा रहा है। जीप लाइन करके बहुत ज्यादा ही मजा आ गया भाई, यहाँ से वहाँ, और ऐसा लग रहा है इतना छोटा है भाई, सच में बड़ा है। यहाँ से ना पूरा व्यू आता जब अगर जीप लाइन में बैठो आप। सोलांग वैली, हाँ कहाँ बर्फ रहती है? यहाँ पे बर्फ रहती है ना, यही रास्ता जाता है ना? हाँ यहाँ से ले लद्दाख जाता ना, यहाँ से ले लद्दाख जो है ना, ले लद्दाख हाँ जाता है ये रास्ता लद्दाख। अच्छा बात चाइना है। अच्छा वही मतलब यही रास्ता है चाइना का। यहाँ से कितना किलोमीटर? यहाँ से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर है। अगर अपन अभी निकलेंगे तो ना ना ना।
रोड पे पानी गिर रहा है। जब से ये टनल में घुसे ना, पूरा धुआं धुआं ठंडी यहाँ पर बढ़ चुकी है और ऑक्सीजन लेवल यहाँ कम हो रहा है, कान सुन हो रहे हैं एकदम। बाप रे, बर्फ देख कितना ऊंचा है। हाँ बोलिए ना। पूरा बर्फ। इधर गंदी बर्फ है और यहाँ देखो साफ बर्फ है। गड़क कर तक मारू तो लग रही है बहुत तेज लग रही है बर्फ। भाई पूरा हाथ अकड़ गया, दर्द दे रहा है हाथ। इतनी बर्फ नहीं है, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और आगे थोड़ी एक्टिविटीज भी है, पहले जरा एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। आप जगह पे चलेंगे ना, बर्फ देख रहा जैसे पानी में डाल के पिए यार इसे। हाँ नहीं, साफ बर्फ रहता ना तो पब्लिक पीती भी है। दानेदार है। हाँ दानेदार है। स्लीप होएंगे? एक सेकंड को ढकलता हूँ। अरे नाना, अरे ओ टोपी उतर गई भाई। पर पर्सन 1000 रुपया। अरे बाप रे बाप, बहुत महंगा यार। तो गाइस ये ट्यूब का है, बहुत ज्यादा महंगा है यहाँ पर। इसका प्राइस ही पूछे थे भाई, इसका प्राइस क्या है ये ट्यूब का? एक पर पर्सन 300 रुपीज। 300 रुपीज यहाँ का, वहां से ऊपर से चाले का डायरेक्ट नीचे, बस 300 रुपए एक राइड का, क्या फायदा, वेस्ट है। तो अगर आप यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर रिवर है, पूरी बर्फ पिघल के इधर ही आ रही है पूरी। सब देखो पूरा रोड पे गिरे हैं बर्फ, टूट के अंदर पत्थर हो गया। हम लोग वहां से इधर आए हैं ये झरने में, थोड़ा सा देखते हैं। चलो इधर बैठने का मजा ही कुछ अलग है। तो गाइस हम लोग पूरा घूम चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। गाइस अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ भाई। और अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं घर पर आया वैसे ही भाई इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ पर। और भाई फोर्थ डे की व्लॉग नहीं आएगी, घर से हम लोग को पैराग्लाइडिंग करना है, तो मैं आपको डायरेक्ट यही व्लॉग में पैराग्लाइडिंग का बताता हूँ। कंटिन्यू करते हैं। A few hours later. सुबह उठ चुका हूँ और ये देखिए मेरी आज की आउटफिट। तो आज हम लोग चलने वाले हैं पैराग्लाइडिंग करने। किधर? यहाँ पे रायसन में। रायसन? मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने, लास्ट 3000 बोला है और गोप्रो के साथ 500 रुपये। तो अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे गाड़ी से, फिर वहाँ से जम करके रिवर के पास, फिर गाड़ी लाके जाएगी यहाँ पर। गाइड करने वाले ये भाई है। फ्लाई करने के बाद नहीं आएंगे, गाड़ी नहीं आएगा।
अरे भाई बहुत डर लग रहा है, क्या मजा आएगा। हाँ अरे अल्लाह अकबर, बहुत 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 गहरा है भाई, पैर कांप रहे मेरे यहाँ से जाने। सब यहाँ पर से जंप कर रहे हैं। सिंगल है ब्रो आप? हाँ भाई सिंगल। चश्मा लगाएंगे एक बार, थोड़ा ऊपर करो हेड हल्का सा, एक सेकंड, थोड़ा बाल अटक रहा है। हाँ बस चश्मा पहन नहीं सकते इसमें, बहुत टाइट है चश्मा, जाएगा नहीं भाई। आएगा भाई, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इधर आ जाओ, यहाँ भी हम भाई सही बोलू ना, जितना टाइम नजदीक आ रहा है उतना डर लग रहा है। ब्रो अगर वीडियो अच्छी लगी तो पैसा लेंगे वरना नहीं लेंगे। अरे भाई साहब इसका चार्ज 500 रुपीस जी सर। भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा है, छोड़ दे सर।
तो गाइस हम लोग इधर लैंड किए भाई, अभी हम लोग को रिटर्न जाना है गाड़ी से, वो गाड़ी लेके जाएगी ऊपर, और अभी इसमें से वीडियो लेना है और पेमेंट करना है 500 रुपीज़। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं ऊपर, मेरी हम लोग की गाड़ी यहाँ देखो बीच में खड़ी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं रिवर राफ्टिंग करने, देखते हैं वहाँ पर क्या प्राइस है कैसा है। नाम तो खतरनाक है राफ्टिंग, यहाँ से बस बेहतर रहता है, उन लोग वहाँ से पूरे लेके जाते हैं वहाँ तक के। लेकिन भाई एक बोट का 3,000 रुपये बोल रहे हैं, उसमें 5 से 6 लोग बैठते हैं, लेकिन भाई वेस्ट ऑफ मनी है। पैराग्लाइडिंग तक के पैसा 3,000 रुपये सही है, ऐसा था कि कुछ फ़ायदा नहीं, सच्चा मैं यहाँ बैठ के नहाना लूँ। ओह भाई बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, ठंडा ही ठंडा है, बस बर्फ़ का पानी पिघल के यहाँ पर। चल भाई चल लो। तो भाई रिवर के सामने बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है भाई, चना। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं घर पर, बहुत इंजॉय किया भाई, चलो चलते हैं घर पर। तो भाई खाना खा कर आ चुका, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया भाई। डे 4 व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड व्लॉग नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले आप जाके देखिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोन नंबर दे दिए, कॉन्टैक्ट कीजिए फटाक से, इधर आए मनाली, समझ रहे हैं आप। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ 11 बजे हम लोग यहाँ से चेकआउट कर देंगे, 5 बजे की हम लोग की बस है मनाली टू दिल्ली, और फिर ट्रेन है दिल्ली टू मुंबई। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं व्लॉग इधर ही एंड करने वाला हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा सर कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, खूब दबा के प्यार दो भाई। हाँ कमेंट करके जरूर बता देना अब मैं कहाँ का व्लॉग बनाऊँ। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।